रायगढ़ जिले के ब्रह्मकिला ब्लॉक के ग्राम 12 दानों में स्थित मुनि झरना इन दिनों लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर हर रोज सैकड़ों की संख्या में पर्यटक इस प्राकृतिक झरने का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। पर्यटकों का मानना है कि इस झरने के पास आने मात्र से आनंद की अनुभूति होती है, लोगों के सारे थकान पल भर में गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि इन दिनों यह झरना लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में ब्रह्मकिला क्षेत्र में बसा है 12 दवन गांव और इस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहां मुनि झरना है। आपको बता दें, मुनि झरना जंगल और वन संपदा से सुसज्जित है, जो कि देखते ही मन मोह लेती है। कलकल करती झरने की आवाज लोगों का मन मोह लेती है। स्थानीय लोगों की माने तो यहां समय समय पर जंगली जानवर, भालू, जंगली सुअर, खरगोश, हिरण, सांभर यहां पर देखने को मिलता है। इस झरना पर बड़े बड़े पहाड़ और घने जंगल श्रृंगार कर संजोए हुए हैं। यहां आकर हर कोई अपने दैनिक जीवन के भागदौड़ और परेशानियों से शांति व सुकून महसूस करते हैं। अभ्यारण्य की सुगम वादियों में स्थित मनमोहक मुनि झरना इन दिनों पर्यटकों को लुभा रहा है। फिलहाल यहां पर्यटकों की संख्या कम है, लेकिन इस सप्ताह हुई अच्छी बारिश से मौसम सुहाना होने से अब पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मुनि झरना मनमोहक दृश्य से दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस झरने की एक झलक पाने के लिए यहां लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। झरने की प्राकृतिक सुंदरता लोगों का मन मोह ले रही है। जानकार बताते हैं कि इस जगह पर एक मुनि तपस्या करते थे, जिसके कारण से इस झरने का नाम मुनि झरना पड़ा। इसके आगे थोड़ी दूर पर एक खाई नुमा गड्ढा है, जिसमें हमेशा पानी जमा रहता है, जिसे हाथी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस कोरोना काल में पिकनिक स्पॉट एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाना प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोगों की भीड़भाड़ तो नहीं हो रही है, लेकिन यहां के अंचलवासी नहाने के नाम से इस जगह को देखने आ रहे हैं। मस्त लग रहा है, पूरा माइंड शिफ्ट हो गया और नहाने में बहुत मजा आ रहा है। परिवार के साथ आए हैं सब लोग और संडे भी है तो अच्छा लग रहा है। मस्त यहाँ देखा जाए तो यहाँ के अंचल में कितना कैसे किस तरह का भीड़ लग रहा है। यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ लगा हुआ है सर और सब लोग नहा रहे हैं मिलजुल कर भी और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन को, क्या संदेश देना चाहेंगे इस झरने के लिए? शासन प्रशासन को थोड़ा सा दिक्कत है सर, बाकी सब कुछ ठीक है। रास्ता थोड़ा सा देखने कुछ किया जा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मुनि झरना है, बहुत दिनों से इसके बारे में सुना था। पटन पानी मंदिर करके तो लॉकडाउन में क्या है, सभी लोग घर में बैठे थे, बोर हो गए थे, तो कुछ दिन टाइम भी स्पेंड करने के लिए जिस टाइम पर हम लोग मुनि झरना आए हुए हैं। यहाँ बहुत अच्छा सुख पानी आ रहा है और पूरे परिवार के साथ यहाँ बहुत अच्छा लगे। क्या करेंगे इस झरना में जो काफी दूर दूर से आ रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ मनोहर दृश्य है। यहाँ पे बहुत हरा भरा जगह है, वन है झरना, झरना बहुत अच्छा पानी यहाँ पे आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे शासन प्रशासन को लेकर के झरना के बारे में? जी यहाँ पे एक चढ़ने के लिए बहुत परेशानी होता है, तो हम चाहेंगे कि यहाँ चढ़ने के लिए कुछ सुविधा का व्यवस्था किया जाए और रहने के लिए पिकनिक स्पॉट जैसा कुछ बनाया जाए। यह बहुत अच्छा जगह है, यह झरना बहुत अच्छी सुंदर है, देखने के लिए दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ अनेक लोग नहाने के लिए भी आते हैं, पानी भी मिलते, मस्त झरना भी मिलता है। यह एक दर्शनीय स्थल के रूप में जी ये झरना के बारे में शासन प्रशासन ने क्या संदेश देना चाहिए? यहाँ शासन प्रशासन क्या संदेश देना चाहती है, एक दर्शनीय स्थल के रूप में है, इसका रास्ता अच्छे से है, अच्छे से होना चाहिए, जिससे आदमी मतलब मनुष्य को आने जाने के लिए परेशानी नहीं होना चाहिए। ब्रह्मकिला से देवराज दीपक की रिपोर्ट, ACN 24।